विधायक श्याम सिंह राणा के रादौर से टिकट कटने के बाद उसके समर्थकों में पार्टी का इस निर्णय के प्रति भारी रोष देखा जा रहा है। पार्टी के फैसले के बाद मंगलवार को माता सावित्री बाई फूले चौक के समीप स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में श्याम सिंह राणा के समर्थक भावुक दिखाई दिए, जिन्हें देखकर विधायक राणा भी भावुक हो गए। बाद में विधायक श्याम सिंह राणा और उनके बेटे नेपाल सिंह राणा ने समर्थकों के बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी हाईकमान के फैसले के खिलाफ न जाने के निर्देश समर्थकों को दिए, लेकिन समर्थकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। समर्थकों ने पार्टी हकीमान में मुख्यमंत्री पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नारेबाजी की, जिसके बाद कुछ समर्थकों ने विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका और पार्टी का झंडा भी जलाया। के लिए इतने बड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या है, हम सब भाई नरेंद्र मोदी जी के लाभ मोदी जी के साथ में कमल के फूल के साथ। टिकटें तो आनी जानी बात है, ये कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन जब मिलेगी तो उसको बाखूबी से चुनाव लड़ेंगे और जब नहीं मिलेगी तो जिसको टिकट मिलेगा उसकी मदद। हमारा पार्टी का ये पहले से फैसला भी है और अभी हम इस पर पूरी तरह से काम करते हैं। जैसे कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है, जैसे इकट्ठे हैं, फैसला तो नहीं है सबका चुनाव लड़ने का आज़ादी कार्यकर्ताओं का जो रोष है वो आपने देख लिया जी। चुनाव तो पार्टी के सिंगल पे लड़ा जाता है, पार्टी मनोहर जी से कल हम मिले थे, उनको भी चिंता हमारी ऐसी तो नहीं है, अभी चिंता नहीं है, वो तो हर विधायक की चिंता करते हैं। अब वो जो निर्णय लेंगे उसका तो हम पालन ही करेंगे, लेकिन आज हम सारे कार्यकर्ता बीजेपी के साथ। जब कभी नाराजगी होती है तो नाराजगी को कोई ना कोई किसी तरह से तो व्यक्त करेगा, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी के हम है, इतने 10 साल से काम किया पार्टी का, तो वो कार्य हम आगे बढ़ाएंगे। पार्टी की तरफ से आश्वासन तो पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो वैसे ही ख्याल रखते हैं सरकार का तो रखेंगे, आश्वासन वाली तो कोई बात नहीं, वैसे ही रखते हैं।